बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियतें हैं, हमारे दोस्त हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। ही इज़ करेंटली सर्विंग एज एन हेड ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। काफ़ी अरसे से जानते हैं डॉक्टर साहब को, बहुत अच्छा इनके साथ खाया पिया और बहुत केबीज के हमने खाने खाए। हमारे ग्लू थे वो चले गए हमें छोड़ के, जिसकी वजह से कुछ खलिशें आ गई थी, तो मैंने कहा कि सर को इनवाइट करके ना वो खलिशें दूर की जाएं। डॉक्टर साहब क्या हाल है आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बताएं आप अपनी रिसर्च के बारे में, अपने बारे में थोड़ी इंट्रो दें। आपने वैसे भी थोड़ा इंट्रो तो दे ही दिया, लेकिन मैं अभी जो है करंटली हेड ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सर्व कर रहा हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, और जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है वो मैकेनिकल करेक्टराइजेशन ऑफ नैनो कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट मटीरियल्स, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो अगर आप उसमें देखें नटशेल में, तो हम कह सकते हैं कि मटीरियल करेक्टराइजेशन इज़ द मेन डोमेन। उसके साथ फिर हम एडिड जो फील्ड्स हैं हमारी, या सब फील्ड्स हैं, उनके साथ हम काम करते हैं, और इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है मैं पढ़ाता हूँ अंडर ग्रेड, और पोस्ट ग्रेड में भी इसी का एडवांस लेवल होता है। अगर अंडर ग्रेड में मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल पढ़ाया है तो एडवांस, उसमें पोस्ट ग्रेड में हम एडवांस मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल पढ़ा देते हैं या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस को पढ़ा देते हैं। और रिसर्च भी इसी डोमेन में ही है। जो मेजॉरिटी मेरे पेपर्स पब्लिश हुए हैं वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स की साइड, थर्मल साइड में भी हैं कुछ, क्योंकि हमारे कुछ कोलीग्स हैं जिनके साथ कोलेब्रेशन में काम करते हैं हम, तो उनके साथ हम थर्मल एरिया को भी टच करते हैं। यार डॉक्टर साहब, सॉरी ये बताना भूल गया, डॉक्टर साहब की पीएचडी ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अपने न्यूजीलैंड से है। तो लेट्स टॉक अबाउट न्यूजीलैंड फॉर अ मोमेंट। सर मुझे ये बताएं कि मनुका हनी कैसी होती है? मनुका हनी मेरे ख्याल में इससे अच्छा टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिल सकता। इट्स लाइक वन ऑफ अ काइंड, और न्यूजीलैंड तो जाहिर सी बात है वो काइंड ऑफ वहीं से मतलब ओरिजिनेट करता है। और जब मैं वहाँ पे लैंड किया था कुछ अरसे बाद, मुझे मेरे फ्रेंड्स जो थे जो काफ़ी अरसे से वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने बताया कि ये मनुका हनी है तो इसको लाजमी ट्राई करना है। तो वहाँ पे जो सुपर मार्केट्स हैं, जो ज़्यादातर जाके जहाँ पे जाके हम लोग शॉपिंग वगैरह करते थे या खरीदते थे, वो पैक एंड सेव के नाम से थी, और एक और मैं नाम भूल रहा हूँ जो मशहूर थी जहाँ पे हम अक्सर जाते थे, बहरहाल मैं नाम उसका भूल गया हूँ, वहाँ से भी मिल जाता था लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। तो हमारे साथ मेरे से एक हमारे काफ़ी पुराने वहाँ पे रहने वाले थे लाहौर के, रिजवान भट्ट, वो खाने पीने के बड़े शौकीन थे। मतलब वो घर पे खाना भी इतना अच्छा बनाते थे कि हम तो मतलब उनके गर्विदा थे कि आप हमसे सीखेंगे भी। तो उनको कुछ स्पॉट्स पता थी जहाँ पे जो है ना, मतलब आपको ऑर्गेनिक मनुका हनी मिलेगी, मतलब वो प्रोसेस नहीं होगी, मतलब ऑर्गेनिक होगी। तो वो जहाँ हम रहते थे ऑकलैंड में कुछ एक डेढ़ घंटे के फासले के ऊपर, हनी सेंटर के नाम से मशहूर थी एक जगह, तो हम उनको पता था वो स्पॉट, तो वो दो दफ़ा हम वहाँ पे गए और हमने प्योर जो ऑर्गेनिक मनुका हनी वो ख़रीदा, और उसके साथ वहाँ पे आइसक्रीम मिलती थी मनुका हनी से बनी हुई आइसक्रीम, और हम उसके साथ उसको खाते थे। और मैं फिर जब भी पाकिस्तान आता था घर से भी यही डिमांड होती थी, क्योंकि घर वालों को एक दफ़ा चखा दिया तो उन्होंने कहा खुद आओ ना आओ लेकिन मनुका हनी आने चाहिए, तो वो उसकी तो वन ऑफ अ काइंड। डॉक्टर साहब अब मुझे ये बताएं, आप वी विल कम बैक टू योर रिसर्च वंस अगेन, डॉक्टर साहब आप इतने सख्त क्यों हैं? ये स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि यार डॉक्टर साहब सख्त क्यों, बिकॉज आई हैव नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इस वजह से भी, और दूसरा मतलब क्यों हैं आप ऐसे सख्त? क्या ये मतलब ये पोजीशन की वजह से है कि सिंस यू आर एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के हेड हैं, इस वजह से क्या नहीं? ऐसी बात नहीं है कि एच ओ यू जी पी या हेड ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बनने के बाद मैं कुछ ज़्यादा तोप चीज़ समझ के अपने आप को सख्ती करता हूँ। मेरी असल में पर्सनैलिटी थोड़ी सी ऐसी है, इनिशियली मुझे भी लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा सख्ती कर जाता हूँ अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, तो अब मैंने कुछ इस चीज़ को कंट्रोल किया है, और मैं आई ट्राई टू बी फ्रेंडली विद माई स्टूडेंट्स, और कुछ मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आई गेट
अनॉयड विद थिंग्स क्वाइट इजीली, और उसके ऊपर भी उस एस्पेक्ट के ऊपर भी अपनी पर्सनैलिटी मैंने वर्क किया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी ये मुझसे शिकायत थी कि मैं नाराज़ जल्दी हो जाता हूँ, गुस्सा जल्दी कर जाता हूँ, तो हंसता कम हूँ, बोलता नहीं हूँ। अगर महफिल में बैठे हुए आप हमारे साथ, पहले मुझे याद है हम लोग, मैं जब लेक्चरर था, मुझे हमारे जो ग्लू हैं डॉक्टर सुहेब, वो अक्सर कहा करते थे यार तुम भी कुछ बोल लो, बोलते ही नहीं हो। तो ये कुछ मेरी पर्सनैलिटी की एस्पेक्ट्स हैं कि आइस ब्रेकर नहीं हूँ मैं, अगर दो तीन लोग बैठे हैं तो मैं पहले बात नहीं करता। इसमें इसका काफ़ी लोग इस पर ये वो ले जाते हैं कि शायद मैं काफ़ी रूड हूँ, लेकिन इस तरह रूड या एटीट्यूड प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है। मैं अगर आप मुझसे बात करें तो मैं उसी वक्त मतलब फ्रेंडली भी हो जाता हूँ। रह गई बात स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के साथ जो है मैं एक डिस्टेंस मेंटेन रखता हूँ कि एक रिस्पेक्ट का और लिमिट का डिस्टेंस होना चाहिए। मैं उतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकता। मैंने कई हमारे इंस्ट्रक्टर्स या फैकल्टी मेंबर्स को देखा है, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो उनकी पर्सनल, मैं ये नहीं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि वो नहीं होना चाहिए, वो अपनी लिमिट में उनको वो ठीक ठीक लगती है, लेकिन मुझे क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट ऐसा है कि मैं थोड़ा सा एक लिमिट में रखता हूँ और ज़्यादा हंसी मजाक अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं करता, ओकेजनली हो जाता है। और क्लास में भी इसी तरह से मैं अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखता हूँ, ताकि जो हमारा एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो इंटैक्ट रहे। जबरदस्त डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि आप स्टूडेंट से क्या चाहते हैं। अगर आजकल की आप बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ पे आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का बड़ा दौर है और बड़ी चीज़ें, आज पहले जब हम लेक्चरर था मैं तब तो ये टिकटॉक वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता था, आजकल तो बहुत चीज़ें ऐसी वायरल हो जाती हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें एक लैक कर रही हैं आजकल के स्टूडेंट्स में, वो एक तो रिस्पेक्ट है अपने टीचर्स की, अच्छा, और दूसरा जो है मतलब पंक्चुअलिटी, और मतलब जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है जब से मैं HUGP बनाऊँ, कि जब हम स्टूडेंट होते थे और मैं अगर अपने चेयरमैन के ऑफिस में जाना चाहता हूँ ना, तो हम लोग, आप मुझे नहीं पता कि आपके साथ भी ये फीलिंग आती होगी, तो हम लोग बड़ा कतराते थे, डरते थे बड़ा, और अगर चले भी गए ना तो बड़ी मतलब हम कांप से रहे होते थे, बात सही तरह हो नहीं पाती थी। तो मतलब जाना है तो एक प्रॉपर एक अटायर है जो आपने फॉलो करना है, आपने परमिशन लेनी है। आजकल के स्टूडेंट्स में जो मैंने चीज़ देखी है ना, वो ये है कि वो ये समझते हैं कि जो हेड ऑफ अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम और प्रोग्राम का जो ऑफिस है ना, वो शायद बेडरूम है उनका, तो एंटर इस तरह से होते हैं, मतलब दे डू नॉट इवन सीक परमिशन, सीधा एंटर होते हैं, और इतना कैजुअल एटीट्यूड होता है कि दे आर जस्ट टॉकिंग विद देयर फ्रेंड, मतलब कोई क्लासमेट के साथ। तो एक ये चीज़ मुझे बड़ी आजकल के स्टूडेंट्स में लैक करती हुई नज़र आती है। मे बी स्कूल्स में सिखाया जाता होगा, आई डोंट नो, कुछ मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे, लेकिन मेजोरिटी मुझे ऐसी नज़र आई आज रिसेंट एक दो साल में जो अभी हमारी यूनिवर्सिटी में आए, उससे पहले कुछ क्लासेस बेहतर थी। तो ये एक चीज़ है जो मैं आजकल की जनरेशन में देख रहा हूँ कि काफ़ी लैक कर रही है, कि उनको जो है ये चीज़ या सीखें या उनको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी अपने किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि HUGP के ऑफिस में अगर आप जाएँ तभी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, आप अगर किसी नॉर्मल फैकल्टी मेंबर के ऑफिस में भी जाते हैं तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, बड़े अच्छे तरीके से। बाकी जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास स्टूडेंट का लेवल काफ़ी अच्छा होता है पढ़ने वाला, सिविलियन स्टूडेंट्स जो हैं, तो उसमें तो कोई शिकायत नहीं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि क्या आपका करिकुलम, मतलब बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो करिकुलम को वो करती है वो HEC है, क्या हमारा करिकुलम नए तकाजों के मुताबिक है आपका, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल के वाले अपनी बताएंगे, आप अपना बताएं, जदीद तकाजों के मुताबिक वो है या उसके अंदर चेंजेस हैं या आपको कहीं पे लगता है? नहीं है। मेरे हिसाब से तो इट नीड्स सिग्निफिकेंट एडिशन। जिस तरह से आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की तरफ लोग चले गए हैं, मैं मैकेनिकल की बात करूंगा तो जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है और जो चीज़ मैंने अपने आप अंडर भी ऑब्जर्व की थी, खासतौर पर जब मैं PhD करने के लिए गया था, कि अगर आप वेस्टर्न कंट्री यानी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इस तरफ जाएं तो वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं या आजकल का जो दौर है इवन इन द PhDs, वो ये है कि आपको वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो ये चीज़ बड़ी इन है आजकल। लेकिन एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ये चीज़ बहुत
मतलब लैक करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स शायद कुछ डिटेल में पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग, लेकिन हमारे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत लैक करती हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी मैट लैब सी तो हमने पढ़ी थी, लेकिन मैट लैब क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वास्टली यूज़ हो रहा है और वो है भी एक बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग टूल है, तो वो जो थी वो बहुत एक ऐसी स्किल थी जो मैंने बड़ी मिस की। और मैं क्योंकि मेरे सुपरवाइज़र मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मुझे ये आता है, तो जब मैंने उसे बताया कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर, तो क्या व्हाट्स रॉन्ग विद द मैकेनिकल इंजीनियर नोइंग मैटलैब, तो फिर मैंने उसके ऊपर वर्क किया, उसको सीखा। तो आज के जो हमारे अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनसे जब मैं पूछता हूँ उनको भी नहीं आता मैटलैब और उनकी प्रोग्रामिंग और इतनी स्किल इतनी आजकल तो ये पेड कोर्सेज होते हैं कोर्सेरा के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर इतनी वीडियोज़ हैं, तो ये प्रोग्रामिंग की जो एक तो एडिशन है इसको हमें अपने करिकुलम में ऐड करना चाहिए। मैंने बात भी की है हमारे डिपार्टमेंट में अपने हायर लेवल तक के, ये हमें अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए और स्टूडेंट्स भी इस चीज़ की शिकायत करते हैं। कई स्टूडेंट्स तो फर्स्ट ईयर करने के बाद मैकेनिकल में जो प्रोग्रामिंग की तरफ ज़्यादा टिल्टेड हो वो अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करवा के इलेक्ट्रिकल साइड चले जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पर प्रोग्रामिंग और आजकल इन भी बहुत ज़्यादा है। बाकी जो हमारी मैकेनिकल की कोर सब्जेक्ट्स हो वो है वो तो कवर्ड हैं, वो जाहिर सी बात है दैट्स डिफाइंड और उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो मैकेनिकल या जो लॉज हैं जो फिजिक्स के लॉज वो तो आपके हैं ही, मैकेनिक्स और मटेरियल के, थर्मोडाइनमिक्स के, कंबस्टन इंजन्स हैं या जो भी डिज़ाइन की साइड है, तो उनमें तो मेरे ख्याल में कोई इतनी ज़्यादा है नहीं। बस सिर्फ एडिशन हमें जो ज़रूरत है ना वो ये प्रोग्रामिंग और AI स्किल्स की। डॉक्टर साहब ये बताएं कि यू सर्वड एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एज वेल इन अ मैकेनिकल डिपार्टमेंट, किस किस्म के प्रोजेक्ट आपने देखे, आपने किस किस्म के प्रोजेक्ट आप देखना चाहते थे और किस किस्म के प्रोजेक्ट स्टूडेंट कर रहे थे एंड वर दे रेलेवेंट विद द इंडस्ट्री डिमांड, इन सारी चीज़ों को ज़रा तफसील से बताएं। उस वक्त जब मैं था 2015 की स्टार्टिंग से, नहीं 14 के एंड से स्टार्टिंग तक, तो मेरे ख्याल में कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो काफ़ी रेलेवेंट थे, जो मतलब मैं अपने एरिया की बात करूँगा स्ट्रक्चरल एरिया और डिज़ाइन साइड की, उसमें तो रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हमारे पास होते थे जो कि इंडस्ट्रियल सेटिंग पे भी होती थी। लेकिन उस वक्त हमारा जो ILO ऑफिस था वो इतना ज़्यादा लिंक्ड नहीं था इंडस्ट्री के साथ जिस तरह से आज है। आज क्योंकि शायद नस ने इसके ऊपर, सॉरी मैं नाम ले लिया, तो हमने वर्क किया है उसके ऊपर, तो अभी थोड़ा हमारी लिंकेज अच्छी है। तो आजकल जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट कंपनीज हैं हमारे पास जो आती हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और हमारे इवन अंडरग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत मतलब हाई लेवल का काम और उनको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके देते हैं। तो मेरे ख्याल आजकल तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं दे आर वेरी गुड एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू PEC क्या अंडर ग्रेजुएट के प्रोजेक्ट को फिजिकल होना ज़रूरी है, रिसर्च बेस्ड भी हो सकता है, बिकॉज PEC कुछ और बोल रही है, हम कुछ और बोल रहे हैं, मतलब व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है, मतलब उसको कोई चीज़ बनाना ज़रूरी है, या हो सकता है बाहर ऐसे होते हैं ना जिनके ऊपर रिसर्च कर ली, कोई मैटलैब के ऊपर कोई एल्गोरिथम बना दिया किसी भी चीज़ का आपकी मैकेनिकल के, टेल मी अबाउट दिस, आपको क्या लगता है? Because as I'm asking you this as a head of undergraduate program as well as foreseer of the future ke future ki wo dekh ke mere khayal mein hardware asal mein as a mechanical ya as an engineer jo final year projects ke jo student hote hain na wo zyada tar jab main bhi tha to main bhi yahi sochta tha ke jo hai hamare paas kuch is tarah ki cheez banaun jo physically mujhe nazar aaye aur wahi as a final year project nazar aata hai kyunki और लाजमी नहीं है कि वही एक चीज़ डिफ़ाइन करती है आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को। आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सिमुलेशन बेस्ड थ्योरेटिकल बेस्ड भी हो सकता है एंड इट कुड स्टैंड आउट फ्रॉम द फिजिकल प्रोजेक्ट्स, इट कुड स्टैंड आउट, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी वही है कि बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क हो, जो फिज़िकल काम होता है ज़ाहिर से उस पर एफर्ट ज़्यादा लगता है और उसको आपने फिज़िकली शो किया रनिंग करते हुए तो लोग ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं ऐसी चीज़ से। तो जहाँ तक PEC का सवाल है, PEC तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इम्पोज नहीं करती, वो CLO और PLOs हैं वो आप लिंक कर दें एज लॉन्ग एज दे आर कवर्ड इन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो वो ओके है। लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अभी मैंने भी रिसेंटली एक मेरे पास प्रोजेक्ट था जो जिसके ऊपर मैं काम करना चाह रहा था, उसको हम
एक जर्नल में भी पब्लिश करना चाह रहे थे, लेकिन वो ज़्यादातर सिमुलेशन बेस्ड था। तो मैंने जब वो अपनी क्लास में जाके फ्लोट किया तो दो तीन ग्रुप्स मेरे पास आए, जिनमें से एक ग्रुप कुछ अच्छा बेहतर था। उनको मैंने जब शॉर्टलिस्ट करके उनसे सारी डिस्कस की, उसकी ऑब्जेक्टिव्स और जो भी हमने करना है, तो जब उनको पता लगा कि ये सारा सिमुलेशन बेस्ड है तो दे बैक्ड आउट। उस समय उन्होंने मुझे कहा कि सर हम इसको एज अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट ले लेंगे, लेकिन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। मैंने कहा क्यों नहीं लेंगे? कह रहे सर हम कोई फिजिकल चीज़ बनाना चाहते हैं। तो ये एक माइंड की चीज़ हो सकती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट ऐसा है, वो जो मैं प्रोजेक्ट दे रहा था वो इस तरह का है कि इट्स पब्लिशेबल वर्क एंड इट कुड हेल्प स्टूडेंट्स इन गेटिंग MS स्कॉलरशिप्स। तो इक्वली हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो फिजिकल आपका जो वो होता है, कोई चीज़ नज़र आने वाली हो तो वो ज़्यादा थोड़ी सी अपील करती है लोगों को। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन काम में। नहीं डॉक्टर साहब, आप फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द PhD डेफिनेटली आपने एज अ TA काम किया होगा। नॉर्मली तौर पे करते हैं PhD स्टूडेंट, वहाँ पे क्या ट्रेंड देखा आपने इन टर्म्स ऑफ अंडरग्रेड? और उनको यकीन कोई लैब्स भी कराई होंगी, पढ़ाया भी होगा कुछ कुछ, क्या क्या ट्रेंड मैं अपनी PhD में जिस लैब में काम करता था है? वहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि जिस 3D प्रिंट, मेरा मैकेनिकल करेक्टराइजेशन ऑफ 3D प्रिंटेड नैनो कॉम्पोजिट्स पे काम था, तो उसी 3D प्रिंटर की, क्योंकि 5 एक्सिस के ऊपर आज काम हो रहा है आजकल के, 3 एक्सिस कन्वेंशनल हैं, तो 5 एक्सिस जिससे हम जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप्स को भी प्रिंट कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल तो क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रोग्रामिंग जो है ना, वो स्टूडेंट्स थे मैकेट्रॉनिक्स के, तो उनकी प्रोग्रामिंग की स्किल बहुत अच्छी थी, दे आर वेरी गुड इन मैटलैब। तो मेरे सुपरवाइज़र ने जो है उनको मेरे साथ लगाया हुआ था, जो कि 5 एक्सिस के ऊपर काम कर रहे थे। हमने बना दिया था 5 एक्सिस, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर उसने हमारे साथ उनको अटैच किया हुआ था। तो वहाँ पर तो है कि फिज़िकल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो है वो क्या कहते हैं कि सिमुलेशन बेस्ड या थ्योरेटिकल बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एक फिज़िकल बेस्ड प्रोजेक्ट काम करते हैं। उसके ऊपर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, और वो वहाँ तो मतलब अंडर ग्रेड लेवल, इट्स वेरी डिफरेंट लेवल फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग इन पाकिस्तान। डॉक्टर साहब ये बताएं कितनी फंडिंग आपने जनरेट की, या कितनी फंडिंग के लिए आपने लिखा, कितनी प्रोसेस में है, क्या है? फंडिंग तो अभी एज सच मैंने कोई इतनी लिखी नहीं है, ना प्रपोजल कुछ माइंड में है। जिस तरह हमारे यूनिवर्सिटी ने अभी हमसे रिक्वायरमेंट पिछले साल शायद मांगी थी कि आप हर जो हमारे जो PhD डॉक्टर हैं उनसे, उनके साथ हमें उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की एक लैब होगी, तो उसमें एक प्रपोजल मैंने बनाकर दिया था अपनी लैब का कि आई विल बी फिजिबल विद मैकेनिकल करेक्टराइजेशन लैब, जिसमें हम FEA कॉम्पोजिट मटेरियल, उसमें मैंने अपने जो 3D प्रिंटर्स और टेंजाइल टेस्टिंग मशीन और जो भी मतलब मेरे एरिया के की कंपोनेंट्स हैं उनका एक प्रपोजल बनाकर दिया हुआ है। वो PC1 आपको पता है गवर्नमेंट का काम है, उसमें टाइम लगता है। उसके अलावा एज अ रिसर्च फंडिंग, ये वो एरिया है मेरा जो अभी मैं नेक्स्ट फोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पब्लिकेशन तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा जो है फंडिंग के ऊपर मेरा इतना फोकस मेरा गया नहीं। इंडस्ट्री से अच्छी, यार इंडस्ट्री और एकेडेमिया में गैप पाकिस्तान के अंदर ही, मैंने किसी और से भी सवाल किया था, या आपको दुनिया में भी नजर आया? जरा इसको क्लेरिफाई करें। मुझे लगता है दुनिया में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अगर है तो क्यों है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में ये गैप है, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप है, दुनिया में ये चीज़ नहीं है। मैं न्यूजीलैंड और UK की बात करूँ, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा है मैंने, तो वहाँ तो हर जो कंपनी है मतलब जो इंडस्ट्री है उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, और वो फ्रीक्वेंटली PhD स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं अब डिपार्टमेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को जाके खुद देते हैं, और दे गिव अ सिग्निफिकेंट फंडिंग एज वेल। मतलब मेरे साथ बहुत सारे PhD थे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से फंडेड थे, और वो जो है उनको इंडस्ट्री मुझसे भी ज़्यादा स्टिपेंड दे रही थी, मतलब इट वाज अ वेरी गुड स्टिपेंड एज फार एज अ सिंगल पर्सन इज कंसर्न इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव है एज फार एज द रेंट्स एंड लिविंग एक्सपेंसिस आर कंसर्न, तो वो काफ़ी ज़्यादा फंडिंग 3 साल के लिए मतलब फ्लोट करते हैं, फीस पे करते हैं और स्टिपेंड देते हैं, और उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है एकेडेमिया के साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग का। लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एकेडेमिया में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि आफ्टर अटेंडिंग ये हमारी जो
आईएबी की मीटिंग होती है इंडस्ट्रियल बोर्ड के साथ, विच इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, के जो इंडस्ट्री से हमारे जो कुलीग्स या फ्रेंड्स आते हैं वो ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है एकेडमिया में, लेकिन ये इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम है कि वो आपको आपको प्रोजेक्ट्स या तो देते नहीं हैं, या अगर दे रहे हैं तो दे आर उनको मतलब फ्री में वो चीज़ चाहिए। मतलब अगर मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में अगर आपने आके मुझसे जिस तरह कोई फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या कॉम्पोजिट मटेरियल के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू नीड अ कंसल्टेशन, राइट? तो इंडस्ट्री हमारी क्या एक्सपेक्ट करती है कि वो फ्री में हो जाए? कोई भी कंसल्टेशन जो है वो फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगा। यू जाहिर सी बात है एक एक स्किल मैंने डेवलप की है तो मैं चाहूँगा कि मुझे कुछ अर्निंग, कंसिडरिंग जो हमारी सैलरी रेंज है हमारी एकेडमिया में वो कितनी है, मतलब यू बेयरली मीट योर एक्सपेंसेस। तो ये इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये मैंने हमारी जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें मैंने इंडस्ट्री वालों को भी ये बात कैटेगोरिकली कही थी कि यू गाइज शुड ऑल्सो वर्क, जिस तरह आप हमें आके इस वक्त ग्रिल कर रहे हैं ना, वो देवर ट्राइंग टू ग्रिल अस कि आप अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं पढ़ा रहे हैं, वो इस हमारा आपका जो ग्रेजुएट आता है उसको ये नहीं पता होता, वो नहीं पता होता। मैंने कहा देखें आप ग्रेजुएट्स के लिए क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्री हमारा, आप जाएँ आपको सड़क पर कितने इंजीनियर्स मिलेंगे जो रेडी लगा कर बैठे हुए हैं? आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जाके उनसे मिल लेते हैं, लेकिन कौन सी कंपनी का सीईओ जाके मिलता है? वो जाके मिलता है कि आप मेरे पास आ जाओ यार, देखो आप इंजीनियर हो और मैं आपको नौकरी पर रख लेता हूँ, इवन 10-15 हज़ार पर मैं स्टार्टिंग लगता हूँ, उसके बाद आपको देख लेंगे। हम नहीं जाते, जाते होंगे तो बहुत कम जाते होंगे एकेडमिया वाले, फिर भी कुछ VCs या कोई चला गया, और मतलब बहुत सारे लोग जो है वो जो चैनल सोशल मीडिया वाले वो हाईलाइट कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ से है, तो एकेडमिया जो इंडस्ट्री है उसको भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा लिंक स्ट्रॉन्ग हो तो आप भी कुछ मतलब फंडिंग फ्लोट करें, इवन MS से अगर आप कोई काम कराना चाहते हैं MS का प्रोजेक्ट जो है वो फंडेड हो सकता है, PhD 3 साल की आप फंडिंग दे के अपना काम करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो लिंकेज है इंडस्ट्री और एकेडमिया का ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यार डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, क्या how important is it for a student to travel for studies abroad? kya fayde hote hain how difficult aapne kaha nahi uske fawaid kya hain ki kya wo uske liye zaruri hai kya uske liye student ke liye zaruri hai ki wo padhne abroad jaye agar wo hai to kyun hai aur agar wo jata hai to uski kya grooming mein farak padta hai matlab ye kyunki bacche bhi poochte na hame bahar jana chahiye ye देखिए ज़रूरी तो नहीं है ये, सबसे पहले तो ये बात, हमारे पास MS का लेवल भी अच्छा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, और PhD को करार छोड़ दें कि उस लेवल की हमारे यहाँ पे अभी सुपरविजन भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और कुछ मतलब जो हमारे PhD कर भी रहे हैं यहाँ से उनका खुद का उतना बहुत, क्योंकि पुश नहीं किया जाता तो जाहिर सी बात है उतना वो एक्स्ट्रा माइल जाते भी नहीं है। और दूसरा आपने क्या कहा था कि मेरे कहने का मतलब लाइक अंडरग्रेड है, अंडरग्रेड से एक बंदा जाना चाह रहा है, आपने कहा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो जाता है तो कुछ तो फायदे होते होंगे यार, आपका खुद MS बाहर का है, PhD बाहर की है, पोस्ट जॉब हो रही है, जाहिर सी बात है अगर आप अपने कंफर्ट जोन छोड़ के जाएं, जिस तरह मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं इंटीरियर की यूनिवर्सिटी जो कि जिसका इतना ज़्यादा नाम नहीं है, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी, वहाँ से इंजीनियरिंग की, और वहीं मैं नवाबशाह का ही रहने वाला हूँ, तो मैं कभी आउट ऑफ सिटी गया ही नहीं था। तो जब मैं MS करने गया तो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम टू गो आउट ऑफ द सिटी एज वेल एज आउट ऑफ द कंट्री। तो जब मैं वहाँ लैंड किया तो स्टार्टिंग में मतलब काफ़ी बहुत टफ लगा मुझे, और क्योंकि अपना कंफर्ट जोन आपने छोड़ा। दूसरी जो लर्निंग की चीज़ है, लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है कि आपको डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं, और जिन लोगों के साथ आप रहते हैं इवन पाकिस्तानी हैं, आपको पता लगता है कि मतलब किस तरह के लोग जो हैं बाहर रह रहे हैं, आपकी उस लिहाज से ग्रूमिंग होती है। और अगर आप सेल्फ पे जा रहे हैं जिस तरह मैं गया था स्पेशली UK में, तो आपको जो है अपनी सारी एक्सपेंसेस, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गाइडेंस भी गलत मिली, मुझे लोगों ने गाइड किया कि आप वहाँ पे जाके पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो आप अपनी फ़ीस भी पे कर सकते हैं और लिविंग एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं लैंड किया एक महीने बाद, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि भाई अगर आप यहाँ पर सिर्फ अपनी लिविंग एक्सपेंसिस ही कवर कर लो ना तो वही बहुत जो है ना वो इनफ होगा, लेकिन फ़ीस इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब्स की, स्टडी किया साथ साथ, और उसके बाद मैंने मतलब अब जाहिर सी बात है वहाँ जाना है तो आप रोज़ बाहर का खाना तो नहीं खा सकते, फिर आपने खाना भी पकाना सीखा, तो लर्निंग तो बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह से
क्योंकि ये सारा जो एक्सपीरियंस था इट वॉज क्वाइट हैक्टिक फॉर मी। तो फिर जब मैं वापस आया, मुझे जॉब मिली, तो मैं ये, क्योंकि जब मैं यूके में था, मैं अपने उन फ्रेंड्स को देखता था जिनके पास स्कॉलरशिप थी, वो बड़ी अयाशी की ज़िंदगी गुजारते थे। मतलब देवर यू नो, कभी यहाँ घूमने जा रहे हैं, कभी वहाँ घूमने जा रहे हैं, उनको कोई टेंशन, स्टडीज पे फोकस है, मुझे घर भी देखना है और उसके बाद खाना भी पकाना है, जॉब पे भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है। तो मैंने कहा मैं अब अगर पीएचडी के लिए किया ना, अपने सेल्फ पे तो कभी भी नहीं जाऊँगा, मैं स्कॉलरशिप पे जाऊँगा। तो इसलिए फिर मैं पीएचडी स्कॉलरशिप पर गया और वहाँ पे फिर मैंने टोटली फोकस अपनी स्टडी पे किया। लेकिन वहाँ पे भी सीखने को बहुत मिलता है अगर आप अब्रॉड जाएँ तो। अगर चांस है, मैं यही अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप खुद कर सकते हो तो आप चले जाओ, वरना कोशिश करो स्कॉलरशिप पे जाओ। अगर स्कॉलरशिप नहीं है, यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि थिंग्स विल बी टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि आप यूके जा रहे हैं तो यूके में यू नो यू आर लाइक वेलकम्ड देयर ऑन द एयरपोर्ट। हम पाकिस्तानियों की है ना कि वहाँ पे आपको जो है जो गोरी चमड़ी के लोग हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बस आवाज है। ऐसी बात नहीं है, दे आर वेरी फास्ट, वेरी हार्ड वर्किंग, और आपको भी उसी लेवल पे जाके हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। वो पाकिस्तान वाला एनवायरनमेंट नहीं होगा कि आप बड़े सुस्ती से काम कर रहे हैं, यू हैव टू बी एट देयर लेवल, फिर ही आप वहाँ पर सक्सीड कर सकते हैं अगर आप अपने ओन पे जा रहे हैं। अगर स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो मेरे ख्याल में फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, यू कैन गो मतलब प्लेसेस पे जा सकते हैं आप, और आप एक्सपेंसिव जगह पे भी रह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं सिंगल ही होते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के करीब अपार्टमेंट लेके और रह सकते हैं और थिंग्स विल बी ओके। एक शायद मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि इनका जो ख़ानदान है वो इंजीनियर्स का ख़ानदान है। अब अभी पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स खानदान में कितने हैं, बताएं। याद है, यू रिमेंबर यू टोल्ड मी, वो कजन भी था जो मेरे ख्याल में, मैंने जो काउंट किए थे दे वर लाइक 25 और 24 इंजीनियर्स, एंड आउट ऑफ दोज 25 और 24 22 या 21 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। नहीं कर जी, तो मतलब हम एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं अपने खानदान की जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की होगी, क्योंकि एक इंस्पिरेशन मिल जाती है। हमारे एक अंकल है वो इज़ वेरी सक्सेसफुल, तो वो इंजीनियर थे। उसके बाद हमारे एक और कज़न थे सेकंड जनरेशन में, जो कि उन्होंने पीएचडी की और वो बहुत मतलब एक सऊदी अरब की बहुत काउस्ट यूनिवर्सिटी में जो है वो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, तो एक वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। तो एक इंस्पिरेशन आ जाती है कि मैंने भी इंजीनियर बनना है और इसी तरह से काम करना है। तो इसलिए हमारे जो पेरेंट्स थे या मेरे कज़न्स थे, उनके पेरेंट्स जो थे, उन सबका यही फोकस था कि मैंने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना है। तो उनको क्या पता था कि हमारे इंजीनियर्स के लिए जॉब्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा रेयर हो जाएंगी आगे जाके कि हर कोई कहेगा यार इससे अच्छा था तो हम कोई MBBS करवा देते या कोई दूसरी फील्ड में चले जाते। बहरहाल दिस इज़ हाउ इट इज़। 22 इंजीनियर हैं भाई खानदान में, 24-25 इंजीनियर हैं डॉक्टर साहब के ख़ानदान में। डॉक्टर साहब हल्की चीज़ नहीं है, इसी से अगर थोड़ा तुम्हारे साथ सख्ती कर लेते हैं तो यार मान जाओ भाई, क्या मसला है। डॉक्टर साहब आखिरी बात, कोई ऐसी बात, पैगाम जो आप स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं, अब अपने स्टूडेंट्स को, इन स्टूडेंट इन जनरल, कोई पैगाम दें कि मतलब ना ये अभी तक का मेरा निचोड़ है, क्योंकि आपने सफ़र बहुत सारे किए लाइफ में, आप दुनिया की जो सबसे आला तालीम हो सकती है आपने वो हासिल कर लिए, कोई पैगाम दें। देखिए पैगाम क्लास में भी मैं ये चीज़ कहता रहता हूँ, और कई दफ़ा जो टॉपिक से हट भी जाते हैं और बात डिफरेंट जगह पे चली जाती है। जो चीज़ मैं फोकस करता हूँ ना, वो स्टूडेंट्स को ये सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कि यू ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड मेंटेन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अब उसमें ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्री होने का या फ्रेंडली होने का जो एक एलिमेंट है ना, जो आजकल के जनरेशन के स्टूडेंट्स में है, वो बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक दिस इज ड्यू टू सोशल मीडिया। हाँ यस, इट कुड बी, ये वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा और प्रोमिनेंट चीज़ है कि अगर आप, मैं थोड़ा सा भी फ्रेंडली होता हूँ तो दे ट्राई टू गो एक्स्ट्रा माइल, मतलब ओवर हो जाते हैं। तो एक ये चीज़ होनी चाहिए कि यू हैव टू बी, मतलब आप एक रिस्पेक्ट, मतलब जोक्स होने चाहिए क्लास में। मैं नहीं चाहता कि बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो, और मैं इस तरह करता भी नहीं हूँ। बाकी जो है कि
कम इन टू द क्लास विद अ माइंड सेट ऑफ लर्निंग समथिंग. आप पुश करें अपने इंस्ट्रक्टर्स को, सही है, कि वो अपना लेक्चर इतना अच्छा प्रिपेयर करके आए कि जब आप वो क्लास में आए ना तो वो ये सोचता हुआ आए कि यार कहीं स्टूडेंट आज मुझसे ये सवाल ना पूछ ले, मुझसे ये सवाल ना पूछ ले, तो वो सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हों. लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, मतलब कोई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है कि कोई ना कोई ऐसा सवाल कर लेता है कि यू ऑल्सो, आपको पता था यार इसका जवाब ना मैंने इस तरह इस एंगल से सोचा नहीं है, और आप उससे एक्सक्यूज कर लेते हैं कि यार नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका कोई ना कोई जवाब दे दूंगा. तो लर्निंग की माइंडसेट से आए, ये ना आए कि मैंने सिर्फ अटेंडेंस लेनी है और टाइम किल करना है, और आप बैठे तो क्लास में लेकिन आप कहीं और मौजूद हैं. कई दफ़ा मैंने देखा है स्टूडेंट्स को तो मतलब आंखें पहले ही क्लास में सो रहे हैं. तो मैंने कहा तो पहली क्लास है, पहली क्लास में तो आप थोड़े से मतलब फ्रेश होना चाहिए. चलो अगर 12:30 बजे की क्लास है तो हम समझ सकते हैं कि आप सुबह से पढ़ रहे हैं और आपको थोड़ी नींद आ रही है. लेकिन मैंने अब देखना शुरू किया है कि पहली क्लास में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो नींद. और दूसरी जो मेन एक चीज़ है, मैंने जो यहाँ नोट की है जो मैं आपके इससे बताऊँ, हमारे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, वो ये हमारे स्टूडेंट्स की जो अनप्रोफेशनल अपीयरेंस और हाइजीन जो है. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे पास अभी तक नहीं बोला, बहुत अजीब बात तुम हाईलाइट कर. नहीं, ये चीज़ मैंने नोट की है ना, मैं ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना भी चाहता था कि आपकी एक तो जो अपीयरेंस और जो हाइजीन है दैट्स वेरी पुअर. मतलब कई स्टूडेंट्स आपके सामने से या करीब से गुजरते ही स्मेल आती है. मतलब आप यू आर ग्रोन अप ऑलमोस्ट नाउ, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए हैं, आपको अपने आप को कैरी करना सीखें. यू हैव टू बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, यू हैव टू, आपके बाल बने हुए हों, यू हैव टू स्मेल गुड. चलें रोज नहीं नहाते आप, अल्टरनेट डे पे नहाए, सही है, ट्राई टू है. मतलब ये है ना कि आप एक इम्प्रेशन तो अच्छा दें ना, कि मुझे पता लगे कि भाई स्टूडेंट है. और ये चीज़ आप यहीं से सीखेंगे तो जब आप प्रोफेशनल किसी भी सेटिंग में जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा. अगर किसी ने यूनिवर्सिटी लेवल में ये नहीं सीखा, वो प्रोफेशनल में भी जाएगा तो इंटरव्यू देने भी जा रहा है तो ऐसे ही चला गया, वो अपना बॉस कहेगा यार ये तो अपीयरेंस ही ऐसी है इसकी. तो ये चीज़ हमें एज अ इंस्ट्रक्टर, आपको भी मैं कहूँगा कि आप भी अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बोलें कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे मैंने देखी है कि इट्स वेरी पुअर. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत एक्स्ट्रा हूँ, लेकिन हम एज अ इंस्ट्रक्टर्स, एज अ टीचर, ये बात हमें सिखानी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को कि अपार्ट फ्रॉम लर्निंग उसके ऊपर हमारा फोकस है. हम लोग जी जान लगाते हैं अपनी, हमारे यहाँ पे टीचिंग काफ़ी अच्छी है, बेहतर है, लेकिन जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी के, सबसे पहले तो ये, उसके बाद उनकी जो पर्सनैलिटी के ऊपर काम है. मतलब एक इंजीनियर जो है, हम एक अच्छा इंजीनियर तो बना देंगे, लेकिन क्या हम एक अच्छा इंसान बना रहे हैं? नहीं, हम मेरे नहीं ख्याल के हम बना रहे हैं. सही सही, मैं समझ रहा हूँ. हम एक अच्छा इंसान जो है वो एक अच्छे इंजीनियर से बेहतर है. अगर मैं इंजीनियर, वो बनी जाएगा फील्ड में गया ना, उसने सीख ही जाना है, उसके सीनियर्स उसको मतलब टेंशन देंगे, तंग करे सीख जाएंगे. लेकिन अगर उसकी आपने पर्सनैलिटी पे काम नहीं, मतलब उसको अगर आपने ये नहीं बताया कि अगर से फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टूडेंट्स को अक्सर ये मिसाल देता हूँ, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है लेकिन अच्छे इंजीनियर हैं तो आप क्या करेंगे कि आपको कोई आके ब्राइब करता है कि आपने एक बीम डिज़ाइन करनी है और उसका जो मटीरियल है ना वो, यार देखें गवर्नमेंट ने तो हमें पैसा पूरा दिया है लेकिन हम जो है ना आपको वो कह रहा है कि मैं हल्का मटीरियल ला ले आता हूँ, आपको भी फ़ायदा है मुझे भी फ़ायदा है, अब लगा दें. आप सिर्फ अगर तो इंजीनियर बनाए ना तो आप कहेंगे ठीक है मेरा क्या जाता है. लेकिन अगर आपने उसको पर्सनैलिटी के ऊपर, जिस तरह हमारा मज़हब हमें बताता है कि झूठ एक कितना बड़ा गुनाह है, गलत बयानी एक कितना बड़ा गुनाह है, ये सारी चीज़ें भी हमें साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए जिसके ऊपर काम नहीं हो रहा. और वो जो है एक अच्छा इंजीनियर तो बन जाएगा लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता अनफॉर्चुनेटली. और वो फील्ड में जाता है तो जाहिर उसको झूठ जो है झूठ नहीं लगेगा, वो कहेगा कि भाई ये मेरे लिए तो नॉर्मल चीज़ है, मैं तो कर जाऊँगा ये चीज़ें करनी. और ये इसी वजह से आपको पता है फिर हमारी जो ये जो सिस्टम है इसमें ये चीज़ कितनी एम्बेड हुई हुई है. तो ये एक चीज़ है जिसको हम सबको भी काम करना चाहिए इस पर. मुझे यकीन जानिए डॉक्टर साहब का ये जो आखिरी लेसन था, डॉक्टर साहब माशाल्लाह खुद इस मिजाज के हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करते रहे न्यूजीलैंड में. मैं बात नहीं करूँगा भाई. आई वुड लाइक टू थैंक मेरे दोस्त अजीज, कमाल की बातें की हैं डॉक्टर साहब ने भाई, ऐसे नहीं है. सो आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. सो अस्सलाम वालेकुम.